तारीफ ठीक नहीं है। ये जो उस शख्स के बेटे हैं जो दो बार मुख्यमंत्री रहे, पांच छह बार वो पांच बार एमपी रहे, तभी तो हमारी दोस्ती हुई। 1996 में आया था तब बने थे और अभी भी प्रतिपक्ष नेता है आज की तारीख में। और आप में अगर भगवान ने चाहा एक साल से कम में भूपेंद्र जी हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पर आप मुझे कोई कह रहा था कि भी आज का युवाओं की बारी है, जैसे हमारा भी कहते हैं हमको अब अलग जाना चाहिए, तो ये हो सकता है आपके अगले मुख्यमंत्री हो 37 महीने के बाद में। वो आपके प्यार से आए हैं इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मेरी कहानी में तो मैं भी बहुत साधारण घर से आया हूँ, एक इंजीनियर बन गया, बाद में फौज में चला गया, कर्नल फुल कर्नल था, छोड़ करके आया। गफूर साहब जी बात की मैंने ना तो रामनिवास जी मिर्जा दीपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1991 से 1996 में रामनिवास मिर्जा यहाँ सांसद थी। नाथुराम जी वो दोनों आपस में भाई थे, चचेरे भाई, दोनों मुझे पसंद करते थे क्योंकि मेरा उनका मेरे घर वाली नागौर कुचेरा से है, तो उनकी 25-30 साल मेरी उनकी पहचान थी। तो कहे सोरो ठीक है, फौज में बढ़िया काम करे, इनमें आपने राजनीति मिलाते हैं। रामनिवास जी ने अगर टिकट मांगते तो मैं तो कर्नल कूड़ पूछा कि नहीं कर्नल फिरे, तब मुझे टिकट मिली नाथुराम जी की वजह से, राम जी की वजह से, गफूर साहब अब्दुल खादी साहब की तरफ से। उसके बाद में चार बार सांसद बना, एक बार विधायक बना 2008 में। आप यहाँ पर आए, मैं मेले बना वहाँ से बायतू से 38,000 जीते, ये भी जीते, पर ये भूल गए ये कैबिनेट मंत्री बने 5 साल तक। एक बात बता दूं, तो एक बात बताऊं, 2012-13 में हालत खराब ही सरकार रही, तो एक दिन मैंने कहे थे यू करो कल साहब मैं डिस्ट्रीब्यूट दूं और थे बन जाओ राजस्व मंत्री, तो मैं कोई मांगी स्टेप नहीं हूं कहीं था, 4 साल मजा कर लिया हमें, 1 साल में मैंने थारी नाव डूबे। एक दिन मुझे अशोक गहलोत ने कहा कि हमाराम जी तो इस्तीफा दे करके आपको आप बनो, मैं कहा ठगाई मत करो मेरे साथ में, सारी हालत ख़राब है। वो थोड़ा राजनीति बातें अभी यहाँ नहीं करें, फिर मैंने तो जैसे अभी कुछ कभी कभी राजनीति में नहीं बनता है, नहीं बनती है, तो मैंने कहा 25 सीटें आएगी और जब चुनाव हुए 2023 आई, तो मैं देखो बीच में वसुंधरा जी मुझे थोड़ी पसंद करती थी, पहले एमपी में साथ रहा हुआ था। उसने कहा आप आ जाओ थाना जी एमपी टिकट दे वाला, तो मैं जसवंत सिंह जी मांगे थे थाना कौन पूछा था ना, मैं ऊपर बात की उड़ा साहब से कहीं कहीं क्या जसवंत सिंह टिकट कान थाना कौन रहता था, गैली बातें करो एनीवे फिर गया। और 5 साल मेरी जो आपने 2014 में मेरी जिस तरह से आपने वोटिंग की, और इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। और एमपी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 5 चुनाव लड़ा मैं एमपी के, 4 जीता 1 हारा, जब हारा तभी मैं 25,000 के यहाँ कूड़ा मारने से आगे था, क्या सबसे लाड के तो हेमाराम जी है। आज एक्चुअली हेमाराम जी को बिल्कुल मैं तो कहता हूँ, मैं हेमाराम जी के होता ना तो मैं छोड़ तो गोल जगह, सही कह रहा हूँ। अब मुझे लालची कहो या कुछ भी कहो, ये इनका जो जिस तरह नौशावर जी सब जिस मन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब कई मारे बातें गफूर साहब टिप्पणी करता क्या चौथी बार थे लड़ा माना था वोट को दिया, उस वक्त हालात ऐसे थे मैं चला गया। हालांकि भी कांग्रेस जो जिसने आज़ादी दिलाई बहुत कुछ काम किया, भाजपा थी मैं तो उनकी वजह से गया था, और 5 साल मारे उठे मन को लागे तो घुटन होते मन। अब देखो स्वाभिमानी होता है आदमी को तो कुछ मिलना चाहिए, मैं एमपी ने टिकट मांगनी चाहिए, मैंने दी को नहीं। बाद में चुनाव आए, महेंद्र जी आए, प्रमुख साहब आए, मैं क्या नहीं आए, तो पंचायत चुनाव आए तो लोगों ने कहा थे निकवा बैठा हुआ कल साहब थे प्रमुख ठीक रहेगा बढ़ो,
आप मानेंगे नहीं, प्रमुख की मुझे जो जिला परिषद की सीट तक नहीं मेरे को दी, जो जो चार बार एमपी एमएलए कर्नल जिला परिषद, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती किसी की। और अभी मैंने टिकट मांगी, अभी भी कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। इस तरह से मच्छी में दूध में मच्छी होती है ना, उसने मुझे उखाड़ के फेंक दिया बाहर। अब ये पार्टी सर कौन रहता बताओ, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हुआ था आपको देखो किस तरह से किया, कानून वापिस लेने पड़े, अभी भी उनकी मांगे हैं, न्यूनतम मूल्य मूल्य की बात है वो है, कई चीजें हैं। मैं अगर मुझे आप विधायक बना देंगे तो मैं आपके सिर्फ राजस्थान के नहीं, मैं आपके दिल्ली के मामले भी यहां से करूंगा। उसमें से एक सबसे बड़ा है, मोदी जी आए थे 2014 में मेरी मीटिंग में, था ना, याद है कि नहीं है, लोगों ने मांग रखी साहब नदियां आनी चाहिए, मतलब जहां तो बूढ़ी नदी में पानी आएगा। मोदी जी ने भाषण में कहा था मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो नदियां जोड़ करके पानी आपके यहां लाऊंगा, और 9.5 साल हुआ है, पानी उठान था है कि यहाँ से आंखें मावे। दूसरी बात थी वहां जैसलमेर बाड़मेर भाबरा रेल लाइन थी, 5,000 करोड़ एलोकेशन मंजूर हो गए, वहां बजट में आ गया, राजस्थान बजट में आ गया, दोनों जगह बजट में। मेरे भाई अभी कभी कॉपी लाया नहीं है, और बाद में पता नहीं क्या हुआ उन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरा जो ये पोर्ट लाने के लिए वहां से कांडला से लेके यहाँ बाखासर पट्टी तक बिल्कुल पार्लियामेंट उठाया था कि हम कहेंगे, ये बड़ी बड़ी योजना है सब मुझे बताया।